देखिए, अंडरवर्ल्ड में मैं ये नहीं बोलता कि हर इंसान अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है उसमें। हाँ, अगर 100 में अगर एक या दो आदमी अगर जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि एक कहावत है कि तालाब में एक मच्छी अगर खराब है तो सब मच्छी खराब बोलते हैं उसका। सो वो चीज़ है, उस वक्त भी अगर अंडरवर्ल्ड, क्योंकि एक या दो केसेस ऐसा हो गए, आज जो कि आज मैं भी था, मुझे भी, मेरे पे भी अटैक हो गए, अटैक हुआ था 2002 या 2004। सो इसमें क्या होगा कि अभी अभी वो सब चीज़ें नहीं हैं। अभी एक कॉर्पोरेट हाउस वगैरह आने के बाद ये सब चीज़ें ज़रा दूर हो गई, क्योंकि बिकॉज़ इतना अभी पैसा है, उस ज़माने में पैसे का वैल्यू मतलब इतना था कि भाई आज तो है ही नहीं। सो उस ज़माने में मुझे नहीं लगता अंडरवर्ल्ड ज़्यादा इन्वॉल्व था, लेकिन बोमा बोम ज़्यादा था, मतलब 100 में एक समय दो आदमी ऐसे होंगे। सलमान भाई की जिस इन चीज़ों में वो फंसे हैं, कंट्रोवर्सीज में जिसमें वो आए, कि आखिरी जानना चाहूँगा विथ दिस इमोशनल साइड, एक दूसरी तरफ था जहाँ पे उनके लिंकअप्स थे नहीं श्रद्धा और देखिए, लिंकअप्स मैं ये नहीं बोलूँगा। देखिए, एक एक्टर है, एक सेलिब्रिटी है। अगर सेलिब्रिटी, अगर कोई भी, अगर समझो आदमी, कोई बाहर से आदमी है और कंधे पे फोटो लगा खींचा, सर एक फ़ोटो दे दो मुझे, और फ़ोटो उसने खींचा और उसके बाद वो ले चला गया, पता चला वो आतंकवादी था, तो सलमान भाई को तो नहीं मालूम कि वो आतंकवादी है। सो वो अगर समझो कहीं भी अगर जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो एक एज अ सेलिब्रिटी के हिसाब से फंक्शन में जाते हैं, और फंक्शन में जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरवर्ल्ड से मिले हमें। वो अपना एक होता है कि रिबन काटने गए थे, या शादी में जाते हैं, या इसके लिए जाते हैं। सो वो एक उनका काम है। आज हमारे साथ भी कोई बाहर से, लॉरेंस जी एक फ़ोटो दे देना, मतलब मैं फ़ोटो ले लिया, कभी वो पकड़ा गया, अरे लॉरेंस उसके साथ क्या कर रहा है। सो ये सब चीज़ें जो है ना, वो हम लोग जो अभी फिल्म लाइन के अंदर जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे सलमान भाई है, अभी सलमान भाई को तो अगर कहीं पे भी बुलाते हैं तो जाना ही पड़ता है। आज पुलिस डिपार्टमेंट का कुछ शोज़ होते हैं, जाते हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलते हैं किसी का भी, मतलब ये तो इनका काम ही है अपना। फिल्म लाइन का जो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, जितने बड़े हीरो है, वो तो उनको फंक्शन करना ही पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके साथ लिंक है। सलमान भाई, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द इंडस्ट्री। यस, इंडस्ट्री एंड वेरी गुड मैन। और मैं बोलता हूँ कि आज मद्रास के अंदर, साउथ के अंदर रजनीकांत का नाम है, जो एक बहुत बड़ा एक नाम इसके लिए कि गरीबों का दाता है, वो उसको भगवान मानते हैं। और मेरे हिसाब से अगर बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर रजनीकांत है, तो बॉम्बे के अंदर सलमान खान है, जो दयालु है, जो सबकी मदद करता है। ये मैं 100% मैं उनको बहुत ही, भगवान करे वो उस उनको और भी दे दे। As a friend, as a part of the industry, as a well-wisher of Salman bhai, आप जहाँ उनका भला चाहते हैं, Salman bhai के लिए एक और वो कहा जाता है कि उनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स हुए, उनको लिंकअप्स हुए, और आज शादी का जब टाइम है तो लोग पीछे पड़े कि Salman bhai कब शादी करेंगे, क्या करेंगे। तो जो रोमांटिक साइड ऑफ Salman bhai जो है हाँ उसके बारे में हमें बताएं, लिंकअप्स हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, दूसरी गर्लफ्रेंड आई है, नहीं, ब्रेकअप वो हुआ। देखिए, अभी अभी सबको एक जो है ना, आजकल चैनल इतने हो गए ना, तो उनको एक कोई भी एक खेलने का चीज़ चाहिए, तो बार बार दिखा के खेलना चाहते हैं वो लोग। लेकिन देखिए, अभी शादी, उनका शादी के बारे में एक दिन, ऐसे बहुत साल होगा उसको, हम महबूब स्टूडियो में तो बैठे थे, उदास बैठे थे, तो मैं गया अंदर, अरे यार सबका, मेरा दोनों भाइयों का शादी हुआ, मेरा शादी नहीं हुआ अभी तक, मतलब हो जाएगा हो जाएगा, इस टाइप का हम लोग को बात ऐसे होता है। अभी बहुत सालों गैप हो गया, हम लोग ज़्यादा मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन जब भी मिलते हैं तो एज अ ब्रदर, एज अ पता नहीं कैसे, बहुत ही फैमिली से हम लोग मिलते हैं। एंड इवन मेरा फैमिली के लिए, मेरा बेटी एडिटर है, जब सीख रही थी रोशनी, तो मैंने बोला कि सलमान भाई, मेरे बेटी अभी सीख रही है एडिटिंग, तो उसको कहीं, तो उन्हें फटाफट डेविड धवन को बोला कि डेविड, लॉरेंस की बेटी है, उसको तुम्हारा एडिटिंग रूम में उसको सीखने के लिए रखना। सो चलो, जो भी हुआ नहीं हुआ, तो इमिडिएटली मतलब उनका रिएक्शन, और उसके बाद उन्होंने, मतलब बेटी ने सीखा और आज चैनल वी में एडिटर है वो। सो वो कर लिया। देन मेरा बेटे के लिए रोहित रवि जी के साथ हैं, रवि चोपड़ा जी के साथ, बाबुल में साथ में ही थे वो लोग, काम कर रहे थे, तो वहाँ भी मतलब सलमान भाई इतना प्यार करते थे उसको, आज भी मिलते हैं तो कैसा है क्या है, इज़ अ फैमिली मैन, होता है ना कि एक इमोशनल, हर हर इंसान का उनको मालूम है क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक कि डोनेशंस और इन सब चीज़ों की बातें हैं, जहाँ वो लोगों को बताते नहीं हैं, क्या आप अवेयर हैं कि किन किन चीज़ों
देखिए ये कुछ नहीं चाहिए। देखा हर आज जो देखिए आज रियलिटी शो जो है बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे आके चले गए, लेकिन दस का दम, दस का दम में जो उनका जो जो स्क्रिप्ट है जो बोलो या क्रिएशन है बोलिए जो टिका हुआ है। एंड इसमें एक चीज़ अच्छी बात है कि एक एक इमोशनली एक एक इंसान को उठाया है शो में। ऐसे नहीं कि बड़े लोग ही चाहिए, रिक्शा वाले, झाड़ू वाला, ये लाके कितना ब्यूटीफुल शो है वो। सो उसमें बातें कितनी अच्छी है वहाँ पे, टॉपिक इतना अच्छा है। सो ये सब चीज़ें जो है ना अच्छा लगता है। लोग मतलब कहीं से बोले यार वो दस का दम देखना है, बोले बाकी कुछ नहीं देखना है। सो ये सब चीज़ें जो है क्यों अच्छा है इसके लिए देख रहे हैं। मैं देखिए मैं पहुंच गया था समझो वहाँ पे 8 बजे करीब, 7-8 बजे पहुंच गया था मैं कंपाउंड के अंदर था, लेकिन भीड़ बहुत थी, चैनल वाले बहुत थे। सलमान भाई पता नहीं सब लोग गेट पे वेट कर रहे हैं, पता चला सलमान भाई दीवार कूद के आ गए अंदर देखा तो हम लोग गेट पे देख रहे हैं तो बाजू में से यूँ आ गए दीवार कूद के आ गए। आने के बाद सबसे गले वले मिले मिले उसका सबको, आने के बाद फिर उनका घर पे जो नीचे जो घर बना है वहाँ लेके गए, वहाँ सब आवाज़ दिया भाई ड्रिंक लगाओ सबके लिए। मेन गेट पे मीडिया वाले थे, क्राउड था, दुनिया भर के लोग थे वहाँ, सब वेट कर रहे थे, सब लोग का नज़र गेट पे था कि सलमान भाई अभी आएंगे अभी आएंगे, एयरपोर्ट से निकले ये हुआ वो सब कुछ सब चल रहा है, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो पता चला एक दीवार कूद के आ गए सलमान भाई, हम देखते रह गए। तो आने के बाद भी एक होता है ना कि भाई आदमी टेंस नहीं यार वहाँ से आया, उसको कुछ फेस पे कुछ भी नहीं उनका, मतलब इतना आए सबसे गले मिले आए, अंदर बुलाया सबको, आओ भाई चलो भाई ड्रिंक ले लो, सब लोग ड्रिंक शुरू हो गया ये होगा। उसके बाद वो टेरिस पे आए थे सबको मिलने के लिए ये वो सब। फिर करते करते हम लोग फिर रात को 1:30-2 बजे 3 बज गए थे रात को, फिर 4 बजे हम लोग ऐसे दोनों मतलब मैं भी ड्रिंक किया तो उनका भी ड्रिंक था, सब लोग हम लोग मैं महेंद्र वर्मा सलमान भाई वो सब लोग बैठे हुए थे। तो फिर बोला फिर वो हाथ पकड़ के वही इमोशनल एकदम हो गए कि भाई मतलब लोग कैसे रहते होंगे वहाँ पे, इतना दुख मतलब जो ना बाथरूम देख सकते ना सोने के लिए जो रूम था कटमाल ना पता नहीं क्या गंदगी थी वो थी बहुत ही मतलब भगवान ऐसा मतलब किसी को भी ना दे। मतलब सलमान भाई के सब लोग बोलते हैं ये वो, लेकिन वो स्माइलिंग फेस उनका हंसते बोला ड्रिंक चलो भाई ड्रिंक करो ये। फिर सलीम भाई आए नीचे, उनके वकील वकील बातचीत कर रहे थे सब लोग, करते करते सब बाकी सब लोग कम होते गए, फिर हम लोग बैठे हुए थे सुबह तक बैठे हुए थे। तो एक अंदर से ना एक जो किसको बोले कि अपना एक अपना आदमी है, तो अपना आदमी समझ के मुझे सब उन्होंने ऐसा वैसा वैसा जो वहाँ पे बाथरूम के बारे में रूम के बारे में सब बताते। तो मेरा आंख में पूरा ऐसा भर भर के आंसू आए कि रोने लगा, तो उस आँख सु साफ कर लगा, फिर गले मिले चलो खाना खाते हैं। सो खाना सलमान भाई मेरे तरफ से और मेरा फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान करे और ऊपर नंबर 1 एक्टर बन के सबका दिल जीतते रहो। थैंक यू।